So also decided to come for a quick visit to the ISKCON temple. ISKCON, of course, stands for International Society for Krishna Consciousness. So there we are, and you know, these are the details of this ISKCON temple, which is nearby. So I decided to come over here. Let's go inside. So that's how the temple looks like from inside. There are shrines of naturally Lord Krishna, and the people out here who sit down and, you know, pray for peace and forgiveness. It's just a hall with the shrine out here, and this is the statue of Swami Prabhupada. I believe he's a founder. And then there's a small shop out here where you can buy some books and you can have some snacks. And people come over here and, you know, they find peace out here. And we have had the pleasant fortune of meeting Mr. Anukul Keshav Das, who is the president of this ISKCON temple. Mr. Anukul, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. कृपया इस टेम्पल के बारे में हमें कुछ बताएं. ये हमने टेम्पल जो है 2000 में चालू किया था, स्टार्ट किया था. जब इसमें हम बाजू वाली गली में एक शेड में थे और रूपा और मेरे गुरुदेव हिजोर जयपिता महाराज की कृपा हुई, जिनकी कृपा से जगन्नाथ ने हम पे कृपा बरसाई, तो हमने ये जगह 2014 में इसको लिया था. हमने कंस्ट्रक्शन चालू की इसके अंदर, और भगवान की दया से कोविड से पहले ये कंप्लीट हो गया. मेरे एक कुलीग है नारायण पंद्रह प्रभु, प्लीज़ कम हियर. मेरे साथ में मेरे कुलीग जो प्रचार करते हैं हिल मायू एरिया के अंदर, नारायण पद्मनाथ, जो हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं, उनको बुला रहा हूँ. आपका कोई संदेश, जैसे दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, बैंगलोर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है लाइफ में, आपका कोई संदेश सभी व्यक्तियों के लिए ताकि वो मन की शांति पा सकें? कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम. इसका मतलब है कि एक्चुअली हम लोगों से पूछते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, एक ही शब्द में उत्तर दीजिए. आपको क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या चाहिए जीवन में? तो लोग बोलते हैं मन की शांति. एक्चुअली उनको चाहिए सुख, संतोष, आनंद. लेकिन कृष्ण भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको कैसे, कहाँ से सुख मिलेगा. लेकिन ये शांति, शांत जो मन शांत रहना चाहिए उसके लिए मार्ग क्या है, उसके लिए शास्त्र में बताते हैं कि जब मन भगवान के जो संदेश में लगता है तो मन शांत हो जाता है. शास्त्र में बताते हैं कि क्योंकि हमको जीवन में एक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसलिए मन इतना डिस्टर्ब है. और वो लक्ष्य क्या है, वो जो करने से मन को खुशी मिलती है उससे मन शांत हो जाता है. क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि खुशी, आनंद पाना. लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें आनंद नहीं मिल रहा. तो जब हम भगवान के पास आते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि सिर्फ उनका नाम लेने से और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेने से, आप कहीं भी हो, सिर्फ भगवान का नाम लेने से भगवान के साथ संपर्क में आ जाते हैं हम. अभी भगवान क्या है, कृष्ण आनंदमय, सच्चिदानंद है, आनंदमय है, हर समय वो आनंद में रहते हैं. अब जब भी हमारे मन में कुछ दुख है और हम किसी के पास जाते हैं और वो बहुत जोक करता है, जोवियल है, तो हमको क्या लगता है, हम जब उनके पास जाते हैं तो हमको भी आनंद लगता है, आनंद का महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं हम. तो उसका मतलब है क्योंकि भगवान पूर्ण आनंदमय है, जब हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं सिर्फ उनका नाम लेने से, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाता है. तो आनंद जब मिलता है व्यक्ति को तो मन की शांति तो उस साइड इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है. तो इसलिए खुद भगवान आके इस प्रक्रिया को दिया है, प्रोसेस को, कि मेरा नाम जपो और आनंद में रहो. इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि चैंट एंड बी हैप्पी. और मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, इस यूट्यूब के चैनल, इनके माध्यम से जो ये भाई साहब जो वीडियो बना रहे हैं, कि आप कुछ भी करें इस संसार के अंदर,
जो भगवान का जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका जप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही सुंदर बातें आपने समझाई हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।